तो थैंक यू सो मच गाइस, 800 करवा दिए, सिर्फ 200 और, जल्दी जल्दी 200 करवा दो ताकि फिर मैं जल्दी से अपने फेवरेट अज्जू से मिल सकूं। थैंक यू। मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई आज प्लान तो दिल्ली जान को, प्लान तो ना प्लान है अभी भी, जतिन के साथ दिल्ली जाना है लेट्स स्टॉप के अंदर, सेकंड बार जा रहे हैं इसके अंदर, बट बारिश रुकी ना रही। स्टार्टिंग में प्लान था ट्रेन का, ट्रेन लेट है क्योंकि पालम के अंदर कोई एक्सीडेंट होगा फॉर्चुनर का, फिर प्लान बना बस से, बारिश ना रुक रही, बस स्टॉप तक कैसे जाना है, तो फाइनली थोड़ा बजट बढ़ा लिया। जतिन भाई जा रहा गाड़ी, जतिन से मिलवाता हूँ, शायद आप लोग सारे जानते होंगे, ना जाना तो भाई मिलवाते हैं, अभी चल रहे जतिन के पास। मेरे पास एक टारगेट है यहाँ से लेकर भाई घर है ना वहाँ तक जाना, छाता है ना, देखते चलते हैं, तो चलो चलते हैं। खड़ी जहाज, अरे ना उल्टी मोड़ ले, अपनी गलती का पछतावा करते हुए। बहुत बढ़िया, एक फोन तो खराब होगा दूसरा नंबर बगा देंगे उन्होंने। चल तेरा भाई बताओ उस्ताद, मेरे मामा के लाख में तू तो कह लाख रुपए ज्यादा ले तूने, यही अंडो यही अंडो इंटरेस्टिंग को गाओगे तू। ओ भाई आगे देख के चला ले, बुड्ढे उठ जाओगे। किस्मत के ऊपर कुछ ज्यादा है वो हो रहा है, कब्रदान मुकब्रदान जो भी हो रहा है, किस्मत तो वैसे तो पता ही कैसी है। अरे अपनी किस्मत तो थोड़ी जैसी भी वैसी है, ऐ बंदे तो सोच भी नहीं क्या होगा एक साथ। अच्छा मिले बेचारे 100 रुपए दो। अच्छा कैसा लग रहा है तुम्हें? यहाँ तो कितनी दूर रहेगा? 26 किलोमीटर है, तो एक घंटा दो मिनट लगेगी। हम कितने किलोमीटर चल लिए होगा? 35 किलोमीटर के आसपास चल लिए हम, है 35 किलोमीटर में बंदा ना हर 5 मिनट में तुम क्या कहे भाई गलत जा रहा, मुझे लग रहा गलत जा रहा मैं यार भाई। अब मैं कहो मेरे यहीं को आने जानो, तुम्हारी बात सुन गए, टाइम लैप्स देखो क्योंकि मौसम एक नंबर करो गजब यार, किस्मत हमारी बहुत बढ़िया है जो मौसम इतना बढ़िया हो रहा है, और हमारे पास गाड़ी है ना बाइक है बस मोहतन, तो आज तुम घिसर लिफ्ट तक थैंक यू बोल दे भाई मेरे को। भाई यो मौसम है थोड़ी देर खतर ही बढ़िया लागर दो कि सुहान मौसम है यू और वो है सारा सिस्सो खोलती आने भी डर लागो कि छेट अंदर आ जा, अरे ऐसे जरा ती अंदर नु लाग रहा है कर जाडो लाग जा, वो तो कौड़ो धक मौसम हो रहा है।
ਚਾਮ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਲ ਪੜੋ ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਕ ਨਿਕਲੇਗੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ 35 ਮਿੰਟ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ 35 ਮਿੰਟ 43 ਮਿੰਟ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਟਕੜੇ ਜਾਮ ਹੈ एम्बुलेंस रास्ता दो भाई ले रहा मैं मटा वैसे कुछ भी कहा जाए दुकान भीड़ तो बहुत तगड़ी है मैं गया मैं वीडियो ऑन करते एक बार तो वीडियो ऑन करती साथ एक घंटे मेरे पास भीड़ ही बहुत है कैमरा ना खुलन दे रहा बिल्कुल भी मैं कोई ना जो सही है गाड़ी वुड्डी मांगा हमने मैं आराम से बैठा हूँ खड़ा जाने पड़ता दुकान में तुमने भीड़ रही है दुकान में बैठने जगह ना है आज भीड़ है टूटे उस्ताद तगड़ी भीड़ है देख दुकान भी तो भाई थोड़ी छोटी पड़ेगी भाई थोड़ी दुकान बढ़ानी चाहिए पहला घना तगड़ो चलो गए ऑपरेशन कंप्लीट ना हो रहा उसको अरे के इतना बड़ो वालो है नहीं हो मेरा मतलब पासवर्ड भूल गो की तो पक्के बात है देख ली मार्केट लगो कोई बाजार बुजार लगो कोई संडे बाजार लगो नर के लगो दूर थे तो वहां तक और इसके साथ हमेशा वही सीन रहे ड्यूटी वालों हमेशा बेचारा लेट हो जा रहा है एक घंटा का नाम लेके लेके आया था फाइनली भाई फोन हो चुका जमा कुछ ज्यादा लंबा प्रोसेस साल को फोन तो खैर थोड़ा बहुत ठीक हो गया पर डिस्प्ले ठीक हो गई है डिस्प्ले का खराब हुआ उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई है मतलब पानी जो है ना डिस्प्ले तक प्रॉब्लम आई और महानात्मा पासवर्ड भूल गया यार बोलियो आगो 57 पहले 57 पागल है कि जस्टी भी बंद हुई थी
हम तो बहुत बड़े पागल है। जय बाबा की नमस्ते। एक चेहरा समय लागी नहीं, थोड़ी देर पहले तक बुंडी सी गल बड़ाई बैठे थे। अरे और की ना मैडम रोती हो तो कैफे में बैठी है, मैंने घर जाना है भैया, क्यों नहीं रहा वो? बहुत फोन करती, वो मेरे घर फोन करता। फिर आज तो पूरा दिन चलोगे यार? लोकेशन को खोल नहीं, सीधा रास्ता चलन दे। ओ यार भाई के रास्ते याद रहा यार, राइट साइड तो आया था हम, तन फिर हो तो राइट पे आया था, लेफ्ट से हम तो कभी आया है ना, ऑलवेज राइट, राइट ले। हां जल्दी भूल गो यो हाल जब है तो मैं दिन में 70 जब। दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो, रहा है ना तू, सुन रहा है ना तू, बिकॉज रो रहा है ये। फाइनली एंटर गुड़गांव के अंदर कर चुका हूँ, अब की बात तो सही बताई सुना एच दी। मात्र 13 मिनट हो रहा है अक्सर सिटी के अंदर, फिर हम अपने घर के रहे। मैं ओचो रहे को कट मैं मोड़ ले अब यहाँ, यो रास्ता तो शायद, यो रास्ता तो शायद सबने, हाँ यो ही है भाई। आराम चल सका ना, चलो भाई। वैसे हाथ मिला तो मैंने कैमरा खातर मिला दो बार, नो प्रॉब्लम ब्रो। सो फाइनली भाई आ चुके हैं घर, जतिन भी गया, अक्षय भी अपने घर छोड़ गया था और मैं भी अपने घर आ गया हूँ। और बहुत थक गया यार, भूख तो करना लग रही क्योंकि पेट भरो पड़ो है। वहाँ आने के बाद मैं जिम में चला गया था क्योंकि संडे था, संडे को सबको पता है छोटी मोटी हल्की सी पार्टी हो जाती है, और ऊपर से 800 क्रॉस करवा दिया आप लोगों ने, और मैंने यार थैंक यू ना बोला आप लोगों ने, तो थैंक यू सो मच गाइस। 800 करवा दिए, सिर्फ 200 और, जल्दी जल्दी 200 करा दो ताकि फिर मैं जल्दी सी अपने फेवरेट अज्जू से मिल सकूं। थैंक यू। तो और कमेंट करके सारे बताओ कि भाई आप लोग कैसा लगा। आज मैंने ज़्यादा व्लॉग भाई वहाँ इसलिए ना बनाया क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी, अच्छा ज़्यादा। और भाई भी कहने लगा कि भाई यार आज आप बहुत गलत टाइम पे आए हो, संडे के दिन आप नहीं आना चाहिए था। मैं चल भाई कोई दिक्कत को नहीं, मैं कोई वैसे नहीं आया था, फ़ोन ख़राब था इसलिए आया था। वो बोला ओके भाई, भाई भी बेफालतू में सॉरी बोलने लगा। मैं भाई सॉरी वाली कोई बात नहीं है, चलता रहा ये तो। फिर कहने लगा भाई कंटेंट ना दिया। मैं भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंटेंट वंटेंट अपनी पब्लिक बहुत भयंकर है, जो दिखाता हूँ प्यार से देख लेती है। तो भाई
ये था कुछ आज का दिन, करते हैं ऐसे खाते व्लॉग को एंड एंड मिलते कल एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे, जल्द जल्दी बन के करवा दो, उसके बाद कुछ नया करूँगा, कुछ थोड़ा सा और हटके करूँगा। अच्छा भाई से थोड़ी बहुत रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ दिखा, कुछ और नया कर सकूँ मैं उनके साथ, कुछ मिल के अगर वो मेरे को मौका दे तो मैं साथ उनके साथ मिल के कुछ अच्छा कर सकूँ, कुछ नया सीखूँ उनसे। कल मैंने उनसे मैसेज पर बात की थी, मतलब मैंने मैसेज किया था, उन्होंने सिर्फ मैसेज रीड करे, अभी रिप्लाई आया नहीं है, सीन कर लिए। आई डोंट नो उन्होंने मैसेज पढ़े नहीं होता, क्योंकि भाई मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कह दूँ कि हाँ उन्होंने सीन कर लिए, देख लिए, प्रॉपर पक्का नहीं पता। हाँ उन्होंने सीन किया है, अब ये नहीं पता उन्होंने देखा नहीं देखा। पिछली बार मैसेज दो दिन बाद आया था, अब की बार देखते हैं अगर क्या सीन है क्या सीन नहीं है। मेरे लिए रिप्लाई देना दे कोई दिक्कत वाली बात है, मेरे लिए उन्होंने मेरा मैसेज देख लिया, वो बहुत था, बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हम जल्दी जल्दी अपनी मेहनत करेंगे, बन के कराएंगे और फिर मिलेंगे जो भाई से, फिर देखते हैं। ओके तो चलो करते हैं इसी खाते इस व्लॉग को एंड मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना, और नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अच्छे अच्छे और नए नए व्लॉग इस व्लॉग इस चैनल पर आने वाले हैं। आपको पता है मैं डेली कुछ ना कुछ नया करने लग रहा हूँ, तो इस बार आप ये नहीं कह सकते कि भाई तू पुरानी चीज़ दिखा रहा है, मज़े वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको मज़े नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करो कि हाँ ये दिखा, तो मैं वही पक्का दिखाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा। घर वालों से भी डांट खा लेता हूँ आपके चक्करों में मैं, आधे टाइम मेरी मम्मी काफ़ी बार कह देती, मम्मी तो बहुत सपोर्ट कर रही, पापा कभी कभार कह देते कि भाई यार क्या चल रहा है, मैं पर फिर भी मैं आप जो कह रहे हो पूरा कर रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ वो भी आप पूरा कर रहे हो, दोनों चल रहे हैं। अच्छा अब क्लिप बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, मैं पका दिया मैंने आपको, चलो गुड नाइट।